ओबीसी से मिलाकर अब 75% आरक्षण होगा। बीसी को 18%, ईबीसी को 25%, एससी को 20%, एसटी को 2% का आरक्षण का लाभ मिलेगा। 9 नवंबर को सदन से इसे पारित कराया जाएगा। और इस पूरी खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं फोन लाइन से। मरगूब, आरक्षण का दायरा बढ़ाने पर आज बात कही गई थी और आज कैबिनेट की मुहर भी लग गई है, क्या पूरा अपडेट जानकारी मिल पा रही इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर यह एक मिराकल डिसीजन है नीतीश सरकार का। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना भाषण खत्म किया और भाषण खत्म किए जाने के 10 मिनट के बाद वो विशेष कैबिनेट की बैठक में पहुंच गए। वहां आरक्षण को लेकर के कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया। बिहार में आरक्षण का दायरा 75% पहुंच गया है। नीतीश कैबिनेट ने आरक्षण 2023 के बिल पर मुहर लगा दी है। इस तरीके से जो दायरा होगा हम आपको बता, ओबीसी को 18%, ईबीसी को 25%, एससी को 20%, एससी को 2% का आरक्षण मिलेगा। 9 नवंबर को सदन के पटल में यह पारित किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस जोड़कर बिहार में 75% आरक्षण। इसके अलावा जीवों को पार्गन योजना राशि को भी लागू कर दिया है। इसका यह मतलब है कि नीतीश कुमार ने जो घोषणा किया कि जिन लोगों को जमीन नहीं है या जिन लोगों के साथ वैसा संसाधन नहीं है उनको 2 लाख रुपया और उनको 1 लाख रुपया मिलेगा, उस राशि पर देने पर मुहर लग गई है। मतलब समझिए कि आज आर्थिक सर्वेक्षण भी आया और आज ही सब कुछ पर नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगाई, मामला को खत्म कर दिया। परसों इस पूरे मामले पर एक बिल लाया जाएगा। परसों बिल लाने के बाद दोनों सदन में बहस, नीतीश कुमार उसका जवाब देंगे, उसके बाद माननीय राज्यपाल को भेजा जाएगा और बिल जैसे ही आ जाएगा वो कानून बनकर सीधे, क्योंकि 75% आरक्षण दायरे का मामला है, सीधे केंद्र सरकार को चला जाएगा। इस तरीके से एक बड़ा डिसीजन, बड़ा कदम महागठबंधन की सरकार ने उठाया है। राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़कर 75% हो गया है। 50% से सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जातिगत आरक्षण, जातिगत गणना के जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसके 1-2 घंटे के बाद नीतीश सरकार ने आरक्षण दायरा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है और लोगों के जीविका